साफ सुथरा फीचर सही। और जो ये मोबाइल आप लोगे, मोबाइल में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, तो स्टार है 06 एल दबाओगे इसका। देखो इस मोबाइल का देखो IMEI नंबर आ जा रहा है। आप लोग पहले आते हैं तो इस मोबाइल को सबसे पहले ना इसमें वो चेक, वो शीर्षा में कैसे कहते चूना लगता है उससे बचने के बारे में बताएंगे। iPhone 6 है क्या आपके पास? मोबाइल ऑफ कर। तो जुमरात के दिन हम लोग आए हैं, मोबाइल एक दो मोबाइल का रिव्यू किया होगा, IMEI नंबर चेक किया होगा, फिर जैसे तीसरे दुकान गया ना, उस बंदे ने हमें पकड़ लिया। पहले बोल रहा मोबाइल बंद करो, मोबाइल जब बंद कर दिया तो बोल मारने के लिए पकड़ लिया था भाई के ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग जा रहे हैं शेरशाह मार्केट। आपको शेरशाह में कैसे कहते चूना लगता है उससे बचने के बारे में बताएंगे आज। शेरशाह में जो PTA लोग मोबाइल मिलते हैं ना, उससे सस्ते मोबाइल मार्केट में मिलते हैं, तो आपको बताएंगे वो कैसे आपको चूना लगाते हैं शेरशाह में और कैसे बचना है इसके बारे में बताएंगे। तो और वीडियो को मस्त लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी यानी कि आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। क्यों वकार तो नज़र आ रहा है, पूरा बल्ला छुपने का सही है। तो क्या बोलते हैं शेरशाह में जो मोबाइल वोबाइल आता है, जो सामान आता है, सारी कॉपियाँ होती हैं, बस ये सबको पता है। शेरशाह मोबाइल मार्केट अलग है, कबाड़ मार्केट और गोदाम अलग है। गोदाम में सारी चीज़ कॉपियाँ मिलती हैं और आप जाके कुछ वहाँ से मोबाइल वोबाइल लेते हैं 15-20 हज़ार के मोबाइल, तो मार्केट में 3-4 हज़ार के भी नहीं बिकते, क्योंकि वो कॉपियाँ होती हैं, डब्बे में सही लोगो भी नहीं बना हुआ होता इनका ना। तो हम लोग जा रहे हैं शेरशाह, अगर हम लोग का खुद फर्स्ट टाइम है तो हम लोग यानी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं क्या बोलते हैं कैसा आप अगर पहली बार जाएंगे तो कैसा आपका एक्सपीरियंस होगा। जो हम लोग के साथ एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बस बने रहें इसी वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब मस्ट कर दिएगा और मिलते हैं शेरशाह मार्केट जाने के बाद। लाफिस शेरशाह जनरल गोदाम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे शेरशाह जनरल गोदाम में पहुंचने के बाद काफ़ी रश है यहाँ पे, चलते हैं अंदर। हम रश इतना है यहाँ पे जहाँ भाई, ये शेरशाह जनरल गोदाम इतना छोटा सा है, बस यहीं पे कुछ आगे जाने के बाद थोड़ा सा 3-4 दुकानों के बाद ये शेरशाह पूरा ख़त्म हो जाएगा। शेरशाह जनरल गोदाम अलग है। ये वाला मोबाइल दिखाना, ये वाला 6 है ना, 6X है, 6 है। कितना बोल रहा है सही है। ये मोबाइल है, अगर आप लोग पहले आते हैं तो इस मोबाइल को सबसे पहले ना इसमें वो चेक करना है IMEI नंबर ना। IMEI नंबर ऐसे निकलता है *#06# दबाओगे, IMEI इसका नंबर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है मतलब ये मोबाइल बाईपास है। तो आपको इस मोबाइल से बच के रहना लाजमी तौर पर ना। आपको अगर कुछ IMEI नंबर का ये सीन होता है ना, IMEI नंबर जिस मोबाइल का नहीं आएगा वो बाईपास, अगर बाईपास है ना तो उस मोबाइल को रिसेट मारने पर मोबाइल लुड़ हो जाएगा और काम ख़त्म ज़िंदगी है। उस मोबाइल का भी आए, इस मोबाइल का भी IMEI नंबर नहीं आ रहा, फिर निकाल के दिखाता हूँ ज़रा। *#06# इसका भी IMEI नंबर नहीं आ रहा है, इनके बाईपास है। मोबाइल लेते हुए सबसे पहले ये चेक करना है कि मोबाइल जब लो तो उसका स्क्रीन सही तो चेक कर लो, कहीं चोट वोट तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है ना, चोट वोट तो नहीं। हाँ लड़के इसका कितना मांग रहे तुम? 10,000। फाइनल कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। हाँ भाई जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल देख रहे हो स्क्रीन बिल्कुल सही है इसका, चिकना मोबाइल है, बिल्कुल साफ सुथरा पीस है सही। और जब ये मोबाइल आप लोगे, इस मोबाइल में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये मोबाइल लेते हैं और सबसे पहले इसमें एक चीज़ चेक करनी है, वो है इसका IMEI नंबर ना। IMEI नंबर जिसका नहीं आएगा वो PTA से लॉग होता है मोबाइल, फिर आप चेक करोगे सबसे पहले *#06# दबाओगे इसका। देखो इस मोबाइल का देखो IMEI नंबर आ जा रहा है, इनके बाईपास नहीं है, इसको रिसेट मारने में कोई मसला नहीं होगा सही। लेकिन मोबाइल सही, ये मोबाइल कितना मांग रहे तुम? 16,000। फाइनल कितना हो जाएगा? 14,000 सही है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये iPhone दिखाइएगा, iPhone 6 है क्या आपके पास? ये मोबाइल आप बंद कर लेना भाई। ये खलील भाई वाला दुकान है यहाँ पे ना, असल में घुसने नहीं दे रहे हैं, वीडियो नहीं बनाने दे रहे, बोले जुम्मे को आना। और यहाँ पे कोई मसला भी चल रहा है कि क्या बोलते हैं, कोई बंदा कोई यूट्यूबर आया था, वो बोल रहा था यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है, चूना लगाते हैं। वैसे तो वो सही बात बोल रहा था, लेकिन
यानी कि इनकी जल गई है, अब ये किसी को अंदर नहीं आने दे रहे वीडियो वीडियो बनाने के लिए। पूरे मार्केट में कहीं भी किसी को वीडियो नहीं बनाने दे रहे ये लोग। भाई हम लोग आए थे शेरशाह, शेरशाह में आने के बाद ये सीन हुआ कि आज है जुमरात का दिन ना, तो जुमरात के दिन हम लोग आए हैं, मोबाइल एक दो मोबाइल का रिव्यू किया होगा, आई एम आई नंबर चेक किया होगा, फिर जैसे तीसरी दुकान गया ना उस बंदे ने हमें पकड़ लिया। पहले बोल रहा मोबाइल बंद करो, मोबाइल जब बंद कर दिया तो बोल मारने के लिए पकड़ लिया था भाई के ना जुम्मे, कुछ बंदे बोल रहे थे जुम्मे के दिन आया करो वो अलग है जो वीडियो बनाते हैं, और बाकी जो बंदे थे ना वो बोल रहे थे कि हम नहीं बनवाते हैं वीडियो ना। और मेरे साथ जो कोई यूट्यूबर आया था वो ये बोल रहा था कि यहाँ से नहीं लेना, क्योंकि सही बात है चूना लगाते हैं हम लोग को, लेकिन बोल रहा था नहीं लेना, तो उसकी वजह से लोग बहुत गर्म है, तो हम लोग को मार्केट से निकाल दिया था, फिर वीडियो भी नहीं बनाने दिया। सही, तो ये मसला हो गया था। तो आप लोग के साथ रियलिटी शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। सही, यहाँ पे एंड करते वीडियो को, चले अल्लाह हाफिज़। ये रहा पूरा शेरशाह, ये एक गोदाम है, और ये इसको जो ग्रीन गेट वाला है ना इसको बोलते हैं सुपर जनरल गोदाम। सारा आईफोन वाईफोन तकरीबन यहीं पे मिलता है, और वो जो पठान है खलील उसका दुकान भी यहीं पे है ना, ये ग्रीन वाले पे। तो आप लोग आएँ तो ये ग्रीन वाले पे जाएँ, तकरीबन सामान वहीं पे मिलता है। और यहाँ पे ये नई मार्केट खुल रही है यहाँ पे, यानी कि दूसरे नए नए दुकान खुल रहे छोटे छोटे, यहाँ पे बाकी आईफोन मिलते हैं। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज़। भाई को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।